मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया सोनिया 5507 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं कल रात से बहुत बेचैन हूँ कुछ बात कहने के लिए, और मैं सोच रही थी मॉर्निंग होगी और मैं वीडियो शूट करने जाऊंगी, तो जरूर आप सबसे मैं इस बारे में बात करती हूँ कि गुड कमेंट्स और बैड कमेंट्स, मतलब थॉट मैं आपको बताना चाहती हूँ लोगों की क्या है। जब वीडियो वायरल होती है तो उस पर सभी तरह के लोग आ जाते हैं, अच्छे भी लोग आते हैं, बुरे भी लोग आते हैं। जैसे मेरे लिए गुड कमेंट आते हैं, बैड कमेंट आते हैं, ऐसे ही लोग भी अच्छे होते हैं और लोग बुरे भी होते हैं। तो मैं तुम्हें अभी बताना चाहती हूँ, कल मैंने एक वीडियो शूट करी थी कपिल के रूम में, देर ना हो जाए, तो उस पर एक कमेंट आया है। ये है यूपी बॉयज रो 7 जो मेरे से बोल रहे सुपर हिट सॉन्ग हाँ आपके माही तूफान के साथ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। थैंक यू भाई, मेरे माही, अगर माही तो मेरे पास में ही है, मेरे माही ड्राइव कर रहे हैं, बट अगर हाँ आप पाकिस्तान पहुंच जाए तो अपनी खैर खूबी अल्लाह ताला से करें। तो ये इनका मेरे प्रति भावना है जो उन्होंने व्यक्त की है। और दूसरे हैं यूजर्स हैं 9 जो इनका नाम शो नहीं हो रहा है, थैंक यू लिखा है इन्होंने, आपकी तारीफ में शब्द नहीं मिल रहे, आपने यही लिख दिया मेरे लिए वो ही बहुत है। और हाँ, अब मैं आपको ऐसा कमेंट सुनाऊंगी जिसे आपको देख सुन के ना, सच बता रही हूँ, आपके ना दिमाग के ना थोड़ी बत्ती सी हिलेगी, क्योंकि कितने लोग है ना दिमाग से बीमार है। देखो क्या कह रहा, द विलेज यानी कि एट द रेट द विलेज शो, ये एक लड़का है, इसने मेरे को 17 घंटे पहले कमेंट किया था। इसने कहा है आप मुजरे के साथ साथ समय सेवा भी करती हो, क्या बात है, मगर आपकी कमर लाजवाब है। तो भैया कमर तो मम्मी की भी होगी, घर में सिस्टर की भी होगी, अगर आपको इतनी गंदगी देखनी है तो मेरी ना देखे घर में ही देख ले, इतनी दूर आने की और इतनी कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मेरे चैनल को ऐसे लोग सब्सक्राइब ना करें, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे अननॉनसेंस इंसानों की। तो रही उसकी बात, ये एक टैलेंट है, अगर आप में टैलेंट है तो आप दिखा दो, चाहे चलो मैं तो डांस करती हूँ, मैं अपने डांस को टैलेंट समझती हूँ, बट आप अगर चाहो तो मतलब कोई बिजनेस काम, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपको XYZ आपको काम लगे ना वो कर सकते हो मेरी तरफ से। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ, आपकी तरह मेरे संस्कार नहीं है, ये इनकी थॉट है। देखा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग बाग आपकी इतनी मेहनत करते हुए भी ना क्या कह सकते हैं। अभी और बताती हूँ, चलो ये तो बहुत अच्छी भाई इन्होंने लिखा है, दृश्य है, दृश्य जी हैं बोल रहे हैं, मैडम जी सुपर एक्सीलेंट डांस, सुपर हिट गीत, सुपर डांस, क्या कहने, हद कर दी, ब्यूटी 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 वीडियो, बहुत मेहनत करती हो आप, थैंक यू लव यू। तो देखो जब आपकी वीडियो वायरल होती है ना तो उस पे ना सब तरह के लोग आते हैं, तो एक जी एक तो गाइस देखा मैंने कैसे कमेंट आते हैं लोगों के। मैं अब दूसरा कमेंट बता रही हूँ कि सच में सोनिया जी कसम से यू आर द बेस्ट, आपका रिप्लाई करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, डियर थैंक यू, आप सभी कमेंट्स का रिप्लाई देती हो तो थैंक यू चीनू। तो मैं अगर आप मुझे कमेंट कर रहे हो तो मेरा भी फर्ज है कि आपकी मैं जो आप कमेंट कर रहे हो उसका रिप्लाई करूं, चाहे वो एक थैंक्स क्यों ना हो। तो थैंक्स और सॉरी कोई छोटे शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़े हैं। अगर कोई लड़ाई या कोई झगड़ा होता है या कोई बात हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप सॉरी बोल दोगे तो वो बहुत मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपकी जरा सी देर में सॉर्ट आउट हो जाएगी। और थैंक यू एक ऐसा शब्द है जिससे आप ऐसे किसी को थैंक यू बोलोगे तो उसे भी आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी कि यार चलो कुछ ना कुछ इन्होंने मेरे लिए बोला। तो मैं गाइज यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप बोल रहे हो ना, वो मेरे से नहीं बोल रहे हो, उससे आपकी सभ्यता का या किसी की कमेंट पे जाके मतलब वीडियो पे जाके कमेंट करो तो आपकी सभ्यता मालूम हो रही है, हमारी कुछ नहीं मालूम हो रही है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अब मैं कहूँ मेरे पास 10 कमेंट बैड आ गए, ठीक है मेरे पास 10 कमेंट्स बैड आए, बट
मैं उस 10 कमेंट के पीछे 100 जो कमेंट्स अच्छे हैं उनको थोड़ी छोड़ सकती हूँ, और ना मैं अपने बैड कमेंट के पीछे मैं अपना काम छोड़ सकती, सॉरी। रही मेरे बच्चों की बात, तो जो मेरे बच्चों से ये कह रहे हैं कि मिलना चाहते हैं और आप अपनी बायोग्राफी बनाएं, तो मैं दोस्त ये कहना चाह रही हूँ कि किसी दिन बच्चे दोनों घर पे होंगे, सिस्टम बैठेगा, तो ज़रूर बच्चों से मिलवाऊंगी। और कपिल एंड पारुल, जो भी आप उनसे बात करना चाह रहे हो, लाइव टू लाइव बात कर करना। और मैं तो आई होप, यही उम्मीद रखती हूँ कि आप, है ना, मतलब मैं तो मैच्योर हूँ, मैंने तो पहले ही बोल रखा आपसे, आप अपने अपनी, है ना, मतलब जो बच्चे उभर के सामने आते हैं डांस के प्रति या कला के प्रति, किसी के भी प्लीज़ किसी का दिल ना तोड़े। मैं तो अपने कमेंट डिलीट मार देती हूँ, या जो मुझे करना होता है मैं डिसीजन ले लेती हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है इस चीज़ की। अगर मेहनत होगी तो आपको जरूर लोग बाग देखेंगे और जरूर आपकी इज्जत करेंगे। और मैंने पहले बोला है कि 2-4 कमेंट मेरे लिए कुछ नहीं मायने रखते हैं, बुरा बोलो अच्छा बोलो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी सभ्यता मालूम होगी उसमें, मेरी नहीं होगी। मेरे फैंस मेरे को यही समझाते हैं, सोनिया जी आप दिल पे ना लें, दिल पे ना लें, तो भाई मैं तो दिल पे लेती नहीं हूँ। पहले मैं लेती थी, मेरे को हैरान होती थी, मैं हस्बैंड को भाग के जाती, कपिल को दिखाती, बेटा को दिखाती थी, मेरे को देखने इसने यार ये क्या बोल रखा है, देखने क्या कर रखा है, तो यही चीज़ें दिमाग में कर करती थी पहले। तो उन्होंने बोला कि ये दुनिया है, ये अच्छा भी बोलेगी बुरा भी बोलेगी, तुम सोचो तुम्हें काम करना है या नहीं करना, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। तो फिर मैंने सोचा हाँ मुझे काम करना है। तो यही है मेरी गुड कमेंट्स और बैड कमेंट्स के प्रति। और अब आप खुश रहें, अच्छे से रहें, और लव यू ऑल ऑफ माय फ्रेंड, थैंक यू। न्यू जनरेशन जो भी है उसे आगे बढ़ाएं और सबकी सहायता करें। मेरा समझाने का फर्ज था, मैंने समझाया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।